नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। इमरान खान के राज्य में पाकिस्तान के गजब हाल है। जनता दाने दाने को मोहताज है और आतंकी खा रहे हैं मलाई चाप। पाई पाई के मोहताज पाकिस्तान ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाल ये है कि बच्चों को दूध तक नसीब नहीं हो रहा है। इमरान खान सरकारी हुकुमरानों से अपील कर रहे हैं कि वो सरकारी खर्चों में कटौती करें, लेकिन हाल ये है महंगाई ने पाकिस्तान की जनता की कमर तोड़ दी है। आतंकवादियों को पालने पोसने के चक्कर में पाकिस्तान की माली हालत इतनी खस्ताहाल हो गई है कि वहां के गरीबों के निवाले छिन गए हैं। आम जनता का बुरा हाल है। हाल ये हो गया है कि महंगाई के चलते वहाँ की जनता भूखे पेट सो रही है। पाकिस्तान से आ रही खबर अगर सच है तो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के चलते पाकिस्तान के 10 लाख लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की स्थिति बस से बदतर हो जाएगी। आपको बता दें, इस समय पाकिस्तान में महंगाई दर 9.21% दर्ज की गई है। महंगाई का आलम इस समय ये है कि पाकिस्तान में कोई भी जरूरत की चीज लेना यहाँ के नागरिकों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इस समय दवाइयाँ, गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, हाल ये है कि जारी की गई IMF की ताज़ा रिपोर्ट भी पाकिस्तान की हुकूमत के लिए काफ़ी है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान की विकास दर सिर्फ 2.8% रहने का अनुमान है। वहीं 2020 में उसकी विकास दर 2.9% रह सकती है। IMF ने पाकिस्तान की राजकोषीय स्थिति बिगड़ने की भी आशंका जाहिर की है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है इमरान खान का पाकिस्तान गर्दिशों में डूबता चला जा रहा है। इस खस्ता हाल के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में वहाँ की सेना का बोलबाला है। सेना के इशारे पर वहाँ की सरकारें नाचती हैं। वहाँ के अखबार डॉन ने ऐसी रिपोर्ट छापी है जो पाकिस्तान की बड़ाई बयान कर रही है। डॉन के मुताबिक पाकिस्तान में फौजी फाउंडेशन के पास ज्यादातर बिजनेस है। फौजी फाउंडेशन के कब्जे में सीमेंट, फर्टिलाइजर, बिजली और खाद उत्पादन करने वाली फैक्ट्रीज हैं। इसके अलावा 15 अन्य प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान मिलिट्री के कब्जे में है। अगर इस प्रकार से हिसाब लगाया जाए तो पाकिस्तान की एक तिहाई अर्थव्यवस्था पर सिर्फ वहाँ की सेना का प्रभाव है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या पाकिस्तानी आर्मी को आवाम की चिंता नहीं है? क्यों पाकिस्तानी आर्मी आवाम को कष्ट दे रही है? बात बहुत सरल है। सालों से पाकिस्तानी सेना को एक ही उद्देश्य रहा है, किसी तरह से वहाँ की आवाम के पैसों को भारत के खिलाफ आतंक फैलाने में प्रयोग किया जाए। तो मतलब साफ है, जब तक पाकिस्तानी हुकूमत वहाँ की सेना की कठपुतली बनी रहेगी और भारत के खिलाफ अपने नाकाब मंसूबों को रोकेगी नहीं, तब तक पाकिस्तान का ना तो उसकी कंगाली से उबारा जा सकेगा और ना ही वहाँ के हालात सुधरेंगे और वहाँ की आवाम दर्द से भिलकती रहेगी। आपको खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।